नमस्कार दोस्तों, मैं नीति सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। लगातार लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और डेरा सच्चा सौदा का आखिर माहौल किस तरीके का है लगातार बयान कर रहे हैं। तो जानते हैं कैसे शख्स जो हमारे साथ जुड़े हैं कि डेरा सच्चा सौदा में क्या होता था, क्या माहौल था गुरु जी के यहाँ पे। नमस्कार सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम रामदास है। सर डेरे से जुड़े हो? हाँ सर, 1956 से जुड़ा हूँ डेरे से। कब से जुड़े हो सर? सन 1956 से। सर इतना लंबा समय हो गया, कैसा माहौल देखा आपने डेरे के अंदर? डेरे के अंदर बहुत बढ़िया माहौल है यार, वाणिज्य की बात होती है, दूसरी बात तो कोई होती नहीं है यहाँ। मतलब बस उस मालिक के गुण गाए जाते हैं, शब्द वाणी चलती रहती है, सिमरन जितना होता है उतना लोग सिमरन करते रहते हैं, बाकी जैसी जैसी भावना होती है उतना कोई ले जाता है। सर गुरु जी पे जो आरोप लगाए गए हैं उसके बारे में क्या मानना है आपका? हजूर महाराज जी के बारे में, देखो ये हजूर महाराज जी के बारे में बिल्कुल सही आपने देखा, हमने भी देखा है। हमारे पास शहनशाह मस्ताना जी 1956 में सत्संग करने गए थे हमारे घर। उस टाइम मेरे माता जी को बोल के आए थे कि हम मतलब तुमसे कभी ना कभी बाजरी की रोटी और सरसों का साग आके खाएंगे, और वो उस टाइम उनको दोबारा नहीं जा पाए, उनने चलाना कर दिए। फिर परमपिता जी आए, उस टाइम वो भी नहीं मतलब जा सके, ना कभी उनने मांगा जाके भी, मतलब हमने आपसे मांगा था भी खाना है। ये हजूर महाराज जी सन 1995 में सत्संग करने हमारे घर गए, इनने जाके हमारी माता जी को बोला चौधरण तुम्हें एक बात याद है? मैं जी मतलब मैंने तो नहीं कोई याद है, दसो तुम। कहिंदा भी तू वायदा किया साईं जी नाल भी मैं सरसों की साग तो मक्की की रोटी बना के खावगी, हूँ टाइम आ गया है, और वो तैयार कर लो, आना सी तेरे को साग तो सरसों मक्की की रोटी खा के जाना है। पर ये तो मतलब इतों तक तो असी देखे अखा नाल, अब मेरी पांचवी पीढ़ी होगी, पड़पोता मेरा इतना बड़ा है, हमारे पिताजी भी इस डेरे से जुड़े हुए थे, और चार पीढ़ियाँ हमारी भी हो गई हैं। सर लड़कियां जो डेरे में जाती हैं कितनी सुरक्षित हैं? बिल्कुल लड़कियां सुरक्षित हैं जो डेरे में आती हैं, लड़कियों को कोई मतलब यहाँ किसी बुरी नज़र से नहीं देखता डेरे की सीमा के अंदर। बाहर तो चाहे कोई कुछ करे उसका तो मतलब डेरे वालों से कोई कनेक्शन नहीं है, बाकी डेरे की सीमा के अंदर हमने अभी तक कभी कुछ इतने सालों में नहीं देखा भी कोई गलत काम होता हो लड़कियों के साथ। सर मीडिया चैनलों पर इतनी गंदगी क्यों दिखाई गई डेरे के बारे में? अरे ये मीडिया वालों के तो अब क्या कहें, या सरकार के बारे क्या कहें, मतलब ये तो जानबूझ के फंसाया गया इनको गंदगी बोल बोल के। और कोई मतलब गुरुजी में गंदगी हो तो इतनी करोड़ संगत कैसे जुड़ सकती है? आप पढ़े लिखे हैं बेटे, अब मेरे अगर तो चलो अनपढ़ बंदे हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, आप ही सोचो भाई इतनी मतलब कभी हो गंदगी जिस संस्था में, तो वो इतनी तरक्की कर सकती है 10-10 करोड़ लोग मगर इकट्ठे हो सकते हैं। समाज के लिए कुछ किया है गुरुजी ने? हाँ जी, समाज के लिए कुछ किया है सर गुरुजी ने? समाज के लिए सब कुछ किया है, मेन गेट पर आप लगे हुए हैं मतलब रिकॉर्ड, समाज के लिए इतना कुछ किया है, वो तगमे लगे हुए हैं मेन गेट पर, आप जाके खुद देख सकते हो। सर समाज को आज ज़रूरत है गुरुजी की? हाँ जी, समाज को गुरुजी की ज़रूरत है आज? बिल्कुल ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है सर? गुरुजी के मतलब नेक रास्ते पर चलने चलाते थे तो वो चलाएंगे, और ज़रूरत इसीलिए है अभी संगत नेक रास्ते पर चलती रहे। सरकार से क्या अपील करोगे सर? सरकार की तो अब क्या बताएं आपको, सरकार अब इतनी कामयाब है जितनी आप जिम्मेदारों के लिए देख लो, आप चारों तरफ से दिल्ली घेरी बैठे हैं, और सरकार नाम का कोई उनको जाके पूछने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना है कि जो लड़कियां हैं डेरे के अंदर बिल्कुल सुरक्षित हैं, आज समाज में संत डॉक्टर गुरमीत राम नईम सिंह जी इंसान जैसे संत की ज़रूरत है, क्योंकि यहां पर समाज हमारा नशे और बुराइयों की तरफ बढ़ता जा रहा है, जो कि गुरुजी ने बीड़ा उठा रखा था, वेश्याओं तक को उतारा था, ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स तक बना दी थी, जिसने कि मानवता भलाई के कार्य बिल्कुल 24 घंटे तैयार रहती है और निशुल्क कार्य करती है, इतने बड़े लेवल पे जो कार्य करवाते थे गुरुजी, आखिर कौन नहीं चाहता था कि ये जो कार्य हैं वो समाज भलाई के लिए डेरा सच्चा सौदा करे, कौन नहीं चाहता था कि ये जो नशे हैं युवा पीढ़ी छोड़ दे और अच्छे कदम बढ़ाए ताकि हमारे देश के नौजवान का जो भला हो सके। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।